Hello guys, how are you all? I hopefully believe that you all are quite fine. And once again, I warmly welcome all of you in this video. Student, मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बार पुनः मैं आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. स्टूडेंट्स, ओवर हियर टुडे वी विल डिस्कस, वी विल रीड अबाउट अ पोएम The Voice of the Rain, composed by this poem. The Voice of the Rain has been composed by a great American poet, essayist, journalist, Walt Whitman. Students, Walt Whitman has composed this poem, The Voice of the Rain, and the form of the poem in which poet has written, composed this poem, it is known as free verse. It is free from rhyme scheme, rhythm. And here in this poem, poet himself expresses, reflects his own idea as poet himself talks with the rain. And the rain has been personified by him, by the poet, as the poet talks with the rain and expresses his ideology, ideas, thoughts. So at very beginning, there is question mark has given here in first line of the poem. That now I would like to explain this poem in front of you. That and who art thou? Here the word thou, thou, is in dialect form. It means you, and thou is ancient old form of the you, same as it has been depicted in your poem. A-R-T, art, it is also old form or a dialect form of R. So simply we can say, first at the beginning of this line, start with question mark as, and who are you? It has been asked by the poet from the soft falling rain, dhire dhire, गिरती हुई बारिश की बौछार से पोएट कवि वॉल्ट व्हिटमैन पूछते हैं उस बारिश की बौछार से दैट एंड हु आर यू और तुम कौन हो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर मैं धीरे धीरे गिरती हुई बारिश के बौछार से पूछा कि तुम कौन हो विच स्ट्रेंज टू टेल पोएट सेज दैट इट इज सरप्राइजिंग वंडरफुल स्ट्रॉन्गली इनफ दैट कि उसने रिप्लाई दिया विच स्ट्रेंज टू टेल कहना बहुत ही आश्चर्यजनक है अजीब है कि Give me an answer. उसने मुझे एक आंसर दिया उत्तर दिया as here translated that has been translated here. जिसका अनुवाद यहाँ दिया जा रहा है जिसका अनुवाद यह है कि I am the poem of earth, said the voice of the rain. We can reverse or split this sentence as the voice of the rain told that I am the poem of earth. The voice of the rain. वर्षा की आवाज बरसात की आवाज ने कहा कि I am the poem of earth. मैं धरती की गीत हूं कविता हूं इटर्नल आई राइज इन
पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी अपवर्ड टू हिवेन विंस बैगली फॉर्म्ड ऑल टूगेदर चेंज एंड इट द सेम Eternal I rise, rain, the rain says that I am the poem of earth, and also rain says that eternal I rise in people out of the land and the bottomless sea, main atha samudra aur इस धरती से निरंतर अदृश्य रहती हूँ, अस्पृश्य रहती हूँ, दैट कैन नॉट बी टच्ड, दैट कैन नॉट बी फिनिश, दैट कैन नॉट बी कंप्लीट, एंड इट इज एवरलास्टिंग एंड परपेचुअल, परपेचुअल बिकॉज द वर्ड इटर्नल that cannot be finished, that cannot be destroyed, that cannot be ruined, that cannot be overcome ever, जो कभी समाप्त न हो सके, जो शाश्वत हो, सार्वभौमिक हो, just like that, मैं वारिस कहती है कि मैं ठीक उसी प्रकार अथाह समुद्र और धरती से निरंतर उठती रहती हूँ उठती रहती हूँ आई राइज उठती रहती हूँ इन पल्पेबल दैट कैन नॉट बी टच जिसको छुआ न जा सके मैं ऐसे उठती रहती हूँ एंड अपवर्ड टू हिवेन और आकाश हिवेन आकाश स्वर्ग की ओर जाती हूँ बैगली फॉर्म्ड जहाँ पर मैं अनिश्चित रूप धारण कर लेती हूँ देर इज दैट हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाई पोएट रियली इवेपोरेटिंग सिस्टम आर द वाटर इवेपोरेशन सिस्टम क्या है साइक्लोनिक सिस्टम क्या है बरसात का किस प्रकार बारिश होती है एज यू नो अबाउट इट कि इवेपोरेट होता है वाटर समुद्र से और धरती पर जहाँ से भी उसके स्रोत हैं इवेपोरेट होकर आसमान में जाता है फिर वहाँ पे साइक्लिक जो सिस्टम है इसका उसके तहत जो है वर्षा का निर्माण होता है और पुनः वह वर्षा जो है उसी धरती और समुद्र में आकर बारिश की जो बूंदें हैं जो जल है वो विलीन हो जाता है दैट हैज बीन टोल्ड बाय बाय पोएट हियर अकॉर्डिंग टू हिज ओन पोएम द वॉइस ऑफ द रेन सो अनिश्चित रूप वैगली फॉर्म ऑल टुगेदर चेंज्ड जो पूर्णतः पूरी तरह अलग होता है ऑल टुगेदर चेंज सब कुछ बदलता है पानी इवेपोरेट होता है फिर उससे बरसात बनती है फिर बरसात से वो समुद्र में विलीन हो जाता है सब कुछ चेंज होता है एक तरह से ट्रांसफॉर्म होता है एक फॉर्म क्रिएट होता है वहाँ वाटर का बट येट द सेम फिर भी मैं सेम रहती हूँ जो मेरी प्रवृत्ति है वारिस की जो प्रवृत्ति है वो नहीं बदलती है कैसे नहीं बदलती है हाउ इट विल नॉट चेंज एक्चुअली आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट एटॉमिज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सिट्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न कैसे नहीं बदलती आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट क्योंकि मैं सूखे स्थानों छोटे छोटे जो कण हैं एटॉमिस छोटे छोटे जो कण हैं डस्ट लेयर्स धूल के की जो परतें हैं धूल के जो कण हैं जो परतें हैं ऑफ द ग्लोब पृथ्वी पर
जो धूल की परते हैं उन्हें all that in them without me were seed only, और जो मेरे बिना केवल बीज हैं, unborn, अजन्मे, जो भी जन्म नहीं लिए, अंकुरित नहीं हो पाए, उनके लिए या उनको उत्पन्न करने के लिए latent unborn, उनको पैदा करने के लिए जो बीज जमीन के अंदर पानी के बिना दबे पड़े हैं, अंकुरित नहीं हो पा रहे हैं, मैं उनके लिए या उनको नहलाने के लिए, उनके ऊपर बारिश की बूंद को गिराने के लिए आती हूँ। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट, दिन रात हमेशा, आई कीप बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट लाइन, दैट दिन रात हमेशा आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं हमेशा अपने उत्पत्ति स्थल, बारिश कहाँ से उत्पन्न होती है तो पृथ्वी से, पृथ्वी पर जो समुद्र नदियाँ हैं वहाँ से इवेपोरेट होता है वाटर और फिर बारिश में तब्दील होता है। That has been given here. I give back life to my own origin. मैं अपनी उत्पत्ति स्थल means earth, पृथ्वी को, and make pure and beautify it. मैं अपने उत्पत्ति स्थल पृथ्वी को जीवन लौटाती हूँ, लाइफ देती हूँ, उस पर रहने वाले जो क्रिएचर्स हैं उनको मैं जीवन प्रदान करती हूँ, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, उनको जीवन देकर धरती को प्यूरिफाई, शुद्ध करती हूँ, पवित्र करती हूँ और सुंदर बनाती हूँ। फाइनली देर इज फ्यू वर्ड्स, टू लाइन्स आर हियर। For song issuing from its birthplace, it has been compared as an example that for song, जिस प्रकार गीत issuing from its birthplace, कवियों के हृदय स्थल से निकलती है, after fulfillment, wandering wrecked or unwrecked duly with love returns, कवियों के हृदय से निकलती हैं और अपना कार्य करती हैं, लोगों के बीच में सुनी जाती हैं, एंड देन अगेन इट रिटर्न्स इनटू द हार्ट ऑफ द पोएट, और पुनः वही पोएट के हृदय में विलीन हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार वर्षा पृथ्वी पर बीजों को अंकुरित करने के लिए, पृथ्वी पर जीवन देने के लिए अवतरित होती है, उत्पन्न होती है और उनको जीवन लौटाती है। उसी प्रकार आप ठीक जैसे कवि के हृदय से कविता निकलती है और पुनः कवि के हृदय में समाहित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार वर्षा भी पृथ्वी से निकलती है, उत्पन्न होती है, अपना कार्य करती है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करती है और पुनः अपनी उत्पत्ति स्थल में समाहित हो जाती है। स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड वंस अगेन वी विल डिस्कस अबाउट सम अदर फैक्ट्स एंड फीचर्स ऑफ दिस पोएम। टिल देन थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स।